1892 में बहुचर्चित नाटककार और कवि ऑस्कर वाइल्ड जेल से रिहा किए गए थे। दरअसल 1891 में वाइल्ड पर समलैंगिक होने का आरोप लगा था और उस दौरान वाइल्ड इंग्लैंड में रहते थे, जहां समलैंगिक होना गैर कानूनी था। आज ही के दिन 1904 में भारतीय उद्योगपति जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा का निधन हुआ था। जमशेद जी टाटा वर्तमान में भारत के विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। आज एक दिन 1913 में भारत के छठवें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ था। संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। जब तेलंगाना को आंध्र में मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया था, उस समय संजीव रेड्डी इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। आज एक दिन 1979 में हिंदी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। द्विवेदी जी कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति और नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक थे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, अशोक के फूल, बाण भट्ट और सुर साहित्य इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आज एक दिन 2010 में बिहार के मोतिहारी जिले के जीवनधारा और पीपरा रेलवे स्टेशन के बीच नक्सलियों ने रेल पटरी उड़ा दी, जिसमें एक मालगाड़ी टैंकर की 13 बोगियों में आग लग गई थी।